शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सऊदी यूजर के अजीज़ दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज इस वीडियो में हम नाजिस वेबसाइट और एप्लीकेशन पर हमारे केस के अपडेट के बारे में जानेंगे, जो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस की तरफ से ये एक एप्लीकेशन नाजिस है। इसमें आपका डेट केस अपडेट हुआ है, तो इसके बारे में डिटेल जानेंगे, इसमें क्या क्या शो कर रहा है और आगे भी इंशाल्लाह ताला तफसील से देखेंगे। ठीक है, इस एप्लीकेशन और वेबसाइट में इंटर होके चेक करने के लिए आपका अफसर अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। अफसर अकाउंट के बगैर आप इसको चेक नहीं कर सकते। जो लोग इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश वगैरह दूसरे कंट्रीज़ में हैं, उनके लिए जो पिछला मेरा वीडियो था जिसमें फ़ोन नंबर डिटेल्स और ईमेल डिटेल्स का जिक्र किया गया था और फ़ोन किस तरह करके मालूमात आप हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में डिटेल था, वो आप वीडियो देख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा, दोबारा से आप उसको देख सकते हैं अगर आपको तफसीलात जानना है, मालूमात करना है। तो आगे हम देखते हैं किस तरीके से क्या है। मैंने हमेशा कोशिश की है कि ऑथेंटिक सोर्सेज से आप लोगों को न्यूज़ पहुंचाऊं, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है मैं आप तक पहुंचाता हूं। अभी भी मैं प्रूफ के साथ आप लोगों के सामने पेशवा हूं, उसमें आपको सब सारा मैं डिटेल बताने वाला हूं। पैसा भी शो हो रहा है और केस की डिटेल भी उसमें मौजूद है। आप डेली मोशन पर देख रहे हैं, तो मैंने डेली मोशन पर भी जो है ना एक वीडियो अपना चैनल खोला हुआ है, तो उस पर भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। अगर वहाँ पे आप देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, उसमें भी मुझे सपोर्ट की आप लोगों की ज़रूरत है। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। और पिछली वीडियो से अगर किसी को नाराज़गी हो गई है या दिल दुखा है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा डिप्रेशन में था, इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ इस तरह बात की। आगे आगे चल के देखते हैं कि पहले हम जो है एप्लीकेशन में जाकर इसका देखेंगे, नाजिस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, फिर उसमें सारा डिटेल कैसे चेक करना है मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद में हम वेबसाइट पे जाकर के देखेंगे कि वहां पर क्या शो कर रहा है डिटेल्स। तो आगे वीडियो को देखते हैं। चलिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। इस एप्लीकेशन का नाम है नाजिस करके नाम है। आप प्ले स्टोर में जाएँ पहले और इसको सर्च कीजिए नाजिस के नाम से। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका किया हुआ है, तो आप इसे देख लीजिए इसको कैसे आपको भी डाउनलोड करके इसका अक्षर का जो सेम पासवर्ड और जो आपका यूज़र आईडी है वो इस्तेमाल करते हुए इसको ओपन करना होगा। तो ये नाजिस एप्लीकेशन में हम जा रहे हैं अभी। यहाँ आने के बाद में ये तसजील दखल जो एरो मार्क है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। एप्लीकेशन ओपन हो गई है और ये जो है सेम जो अक्षर का आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड में इसमें मानना होगा। इस पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को उसमें एंटर करना होगा। ये पेज ओपन हो चुका है। अब इस पर आप इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर के ना नीचे जो है ना नीचे जाने के बाद में यहाँ पर जो है ये क्या लिखा है नीचे, इस्म अल मस्तम नीचे वाला जो ग्रे कलर में है, इस कलम को आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको यूज़र आईडी डालना होगा। मैं अपना यूज़र आईडी डाल देता हूँ। इसके बाद आप जो है यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे, अक्षर वाला पासवर्ड। ओटीपी आ गया है मुझे। ओटीपी हमें ओटीपी देखना होगा।
डबल 3 9 7 डबल 3 9 7। उसके बाद आप इसको स्क्रीन बॉक्स पर क्लिक कर दें। यह आपका केस का डिटेल्स अभी शो होने लगेगा। ये पेज ऐसे ओपन हो गया है। अब ये यहाँ पाने के बाद ये हल्का सा एरो लग रहा है, यहाँ पे हल्का सा एरो जो नज़र आ रहा है उस पर आप क्लिक करें। ये आपका केस नंबर है, बहरहाल इसमें आप इंटर हो जाएंगे। इसके बाद में जो है ये आपका एक और नंबर जो है इसी पे क्लिक करें। ये आपका डिटेल यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले ऊपर ये जो पिछले जो कुछ हुए थे अपडेट आर्टिकल 46 वगैरह उसका तफसील है, इसमें हमको जाना नहीं है। हम इसमें बैक आते हैं, हम बैक आ गए। अब ये मज़मून तलब है, मज़मून तलब सेकंड नंबर, उस पर आप क्लिक करें। ये क्लिक नहीं हो रहा है, इस कुछ लोगों का शायद हो रहा है, पता नहीं मुझे। अगर किसी का हो रहा है ओपन, ये अगर ओपन हुआ तो इसमें आपका अमाउंट शो करेगा, कितना अमाउंट है इसमें शो करेगा, लेकिन वेबसाइट में जो है ना शो कर रहा है, जैसा कि मैं बताया हूँ उसमें आप देख लीजिए। ठीक है, वेबसाइट में शो कर रहा है अमाउंट। दूसरी चीज़, नेक्स्ट आप नीचे आएंगे इसके बयानात नंबर 3 पे, यहाँ पे आपका नाम और रकामा नंबर वगैरह शो कर रहा है। अगर इसमें आप अर्ज़ मज़ीद के ऊपर, आप नीचे ग्रीन कलर का बॉक्स है जिसमें अर्ज़ मज़ीद लिखा हुआ है, उसमें आप क्लिक करें तो उसके अंदर आपको नाम और रकामा नंबर और नीचे ये सब डिटेल्स है, रियाद वगैरह। सबसे नीचे में, सबसे नीचे रकम हिसाब जहाँ लिखा हुआ है, ये जो है ना आपका बैंक का अकाउंट नंबर है। जिस भी बैंक में आपका होगा वो आपका यहाँ पे शो करेगा। बैंक अल अहली मेरा एनसीबी में है तो एनसीबी अकाउंट का ये नंबर यहाँ पर शो कर रहा है सबसे नीचे में। तो यहाँ से आप ये भी जान सकते हैं कि कौन से बैंक में आपने आपका लिखा हुआ अपडेट होके है। ये तो मेरा ये एनसीबी का अकाउंट में होके है। तो इससे हम वापस आते हैं, फिर ये मैं बैक करता हूँ और फिर यहाँ फिर से बैक करता हूँ इधर से। इसके नीचे में जो है नंबर 4th में, इसमें भी तफसील है। ये आर्टिकल 46 अपडेट हुआ वो है, आर्टिकल 34 अपडेट हुआ वो है, बाकी सब यूजर का डिटेल वगैरह है। ठीक है, अब इसमें और मज़ीद इंटर करेंगे हम तो सब यूजर का डिटेल बताएगा, तो इसका हमको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी हम इसके वापस आते हैं और नीचे सबसे नीचे अभी इसमें कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है। ये मेरे ख़्याल में हो सकता है जब वाउचर वगैरह हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें शो करेगा शायद, मेरा अपनी सोच है, आगे पता नहीं है। तो ये सब जानकारी थी, मैं आपको बताना ज़रूरी समझा इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, और आगे भी इसी तरह कुछ अपडेट होती है तो ज़रूर आप लोग इंशाल्लाह इन्फॉर्म करूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने सपोर्ट किया, और भी भाई लोग जो हैं जो नहीं कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब कर लें और फॉलो कर लें मेरे चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपको बताता हूँ, लिंक दे दूँगा मैं डिस्क्रिप्शन पे, आप लोग उस वहाँ से आप आ जाइएगा। और ये ओपन हो रहा है पेज, इलेक्ट्रॉनिक जुडिशल सर्विसेज पर क्लिक कीजिए। यहाँ आने के बाद इसको पेज ऊपर कीजिए ऐसे, ये नीचे जो ग्रे कलर में है यूज़र नेम, यहाँ पर आपको अक्षर का यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। तो यहाँ पर आप अपना
यूज़र आईडी डाली है। इसके बाद पासवर्ड डालिए, स्कैन में लॉगिन हो जाइए। अभी यहाँ पे आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी आ गया है 8860 8860 और ये ट्रैकिंग पे हम चले गए। तो जनाब ये आपका ओपन हो गया है। ये ओपन होने के बाद में मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस पे आइए। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस पे आने के बाद ये आपका पेज ओपन हो रहा है। यहाँ पेज ओपन होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक जुडिशियल सर्विसेज पे आइए। ये पेज ओपन हो रहा है, ये आपका डिटेल्स यहाँ से शुरू हो गया। यहाँ पे नेम वगैरह दिखा रहा है। इसके बाद आप जो है ये एक्सक्यूएशन रिक्वेस्ट पे क्लिक कीजिए। ये आ गया। एक्सक्यूएशन रिक्वेस्ट हो गया। इसको क्लिक करने के बाद ये आ गया आपका डिटेल शुरू हो गया। यहाँ पर ये सब डिटेल आने के बाद आपका जो है ये जो नंबर यहाँ पर शो कर रहा है, यहाँ पे एक एरो नज़र आ रहा है, इस एरो पे क्लिक कीजिए। लेफ्ट साइड में जो एरो नज़र आ रहा है इसको आप क्लिक कीजिए। ये आपका यहाँ ओपन हो गया। इसमें देखिए ये सारा जो है कंप्लीट हो गया, केस यहाँ तक कंप्लीट हो गया। एक दो तीसरा स्टेज कंप्लीट हो गया, ये आपका चौथा स्टेज बाकी। जैसे ये कंप्लीट हो गया आप लोगों को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी यहाँ पे जो है पैसों का डिटेल मैं आपको अभी बताऊँगा। ये ऐसे आप स्क्रॉल करके नीचे जाइए और नीचे जाइए, यहाँ पर है ये द कंटेंट ऑफ द रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपका पैसा शो कर रहा है, इसमें देखिए पैसा शो कर रहा द कंटेंट ऑफ द रिक्वेस्ट, इसमें ये आपका पैसा शो करेगा। और इसमें जो है ना बाकी केस का डिटेल्स है ये सारा। खैर हमारा पैसा शो कर रहा ये हो गया, ये फर्स्ट वाले में पेज में यहाँ पे पैसा शो कर रहा आपका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में हम जाते हैं। इसमें पासपोर्ट नंबर भी आपका है नीचे। अब दूसरा वाला एक्शन देखो, एक्शन रिक्वेस्ट नीड रिस्पॉन्स, इसमें अभी आपका नहीं हुआ है। और दूसरा वाला हम क्लिक करते हैं, ये पार्टीज डाटा, पार्टी डाटा में आपका नाम रहेगा। और शो मोर में आप जाएंगे तो इसमें आपका बैंक अकाउंट नंबर भी शाला शो करेगा। ये नीचे जाने का भी सारा आपका अखबार नंबर वगैरह डिटेल है। यहाँ पर सबसे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपका नेशनल बैंक का मेरा जो है ये बैंक अकाउंट नंबर वगैरह यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अभी इस यहाँ से फिर हम बैक आते हैं। इसके नीचे वाला एक और ऑप्शन है रेजोल्यूशन, अभी इसमें कुछ भी इसमें भी है, इसमें यूजर का डिटेल वगैरह है। बहरहाल केस का काम आप चल रहा है, रेजोल्यूशन ये आर्टिकल 46 और 34 कंप्लीट हुआ है, ये वो है डिटेल।
इसके बाद में नेक्स्ट आप आएंगे इधर जो है ना एग्जीक्यूटिव सर्विसेज अभी नहीं हुआ, और ये सब मेरे ख़्याल में ये अभी फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पे अभी अपडेट नहीं हुआ है, डाटा अपडेट नहीं हुआ अभी, नो फाइनेंशियल डाटा, ठीक है। और ये लास्ट में फाइनेंशियल मूवमेंट रिकॉर्ड, यहाँ पर भी अभी कुछ डाटा अभी नहीं शो कर रहा है। तो ये लास्ट स्टेज जैसे कंप्लीट होगा यहाँ पे इंशाल्लाह ताला हमारा जो वाउचर पैसा है वो इशू हो जाएगा यहाँ पे, इसके बाद में आपका कंप्लीट हो जाएगा केस, इंशाल्लाह पैसा मिलेगा। तो ये अपडेट थी सारी मैं आपको बता दिया, बस आगे आप देखिए कैसे कैसे क्या होता है। अगर आप लोगों से अपना जिंदा दिल होने का सबूत देते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए भाई, बहुत से लोग माशाल्लाह कर लिए हैं और बहुत से लोग भी बाकी हैं भाई लोग से, हम सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई किसी की हेल्प कर रहा है, यही हमारा दीन इस्लाम भी यही सिखाता है। चलिए ठीक है, मैं इसको अभी क्लोज करता हूँ, तब तक आप वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर इंशाल्लाह हमारे साथ इंसाफ होगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।